शर्मा लर्नड ऑफ मुंबई म्युनिसिपलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस्ड लोकलिटी मैनेजमेंट विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ स्ट्रीट और कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज while the wet garbage was turned into compost to grow plants rag pickers were hired to take away the dry variety in return the municipality gave priority to the street problems sharma implemented the program in his street with 600 odd residents. Today his green and lovely lane is a model project that attracts urban experts from around the world. Sharma has also helped residents of many other areas in the city to start similar programs. Ma'am, forget it. ओके चलिए अब हम समझते हैं द टीडीनेस एक्सपर्ट. टीडीनेस मीन्स होता है स्वच्छता, ठीक है. एक्सपर्ट मीन्स होता है उसके जो विशेषज्ञ होते हैं जो बहुत साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं, ठीक है. सो राजकुमार शर्मा मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज बिमोंड द टॉयलेट कंडीशन ऑफ द लेन ही लिव्ड इन. राजकुमार शर्मा जो कि मुंबई के एक बिजनेसमैन है वो हमेशा अपने जिस गली में वो रहते थे वहां के कंडीशन से, वहां का जो हालात था, मतलब वहां गंदगी बहुत ज्यादा रहती थी जिससे वो परेशान रहते थे. द गार्बेज बिन्स ओवरफ्लोड, स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्क, द लेन वॉज फुल ऑफ पोथोल्स, मतलब कचरे का जो कचरे जहाँ इकट्ठा होते थे वो हमेशा ओवरफ्लोड रहते थे, ठीक है. स्ट्रीट लाइट कभी भी काम नहीं करता था, कभी जलता नहीं था, और रास्ते में गली में जगह जगह पर गड्ढे हुआ करते थे. वन डे शर्मा लर्न ऑफ ए मुंबई म्युनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट. एक दिन शर्मा को मुंबई के म्युनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में पता चला, ठीक है. मतलब ये जो प्रोग्राम होते हैं वो म्युनिसिपैलिटी वाले लोग ही करते हैं, नगर निगम नगर पालिका वाले लोग ही इस प्रोग्राम को करते हैं. तो मिस्टर शर्मा को इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, जो क्या करता है लोकेलिटी मैनेजमेंट पे ध्यान देता है. उससे जैसे कोई एरिया है उसे साफ बनाने, स्वच्छ बनाने के बारे में सोचता है. विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ स्ट्रीट और कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज. वो क्या करता था, जैसे कि घरों से जो गीले कचरे निकलते हैं और सूखे कचरे ने जो जरूरत की चीजें होती थी, जैसे कि घरों में होता है ना सूखे कचरे को अलग रखते हैं अलग डिब्बे में और गीले कचरे को अलग डिब्बे में रखते हैं, उसी तरह से चीजें उनको प्रोवाइड करती थी जिससे जो एरिया है वो कचरे से भरे ना और एरिया जो है साफ सुथरा रहे, ठीक है. ये जो प्रोग्राम होता था म्युनिसिपैलिटी करवाती थी ये, उसमें यही सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता था. व्हाइल द वेट गार्बेज वाज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट टू ग्रो प्लांट्स. यहाँ पर जो गीले कचरे होते थे वो किसमें चेंज हो जाते थे, कंपोस्ट में, खाद में बदल जाते थे. देती थी स्ट्रीट का जो प्रॉब्लम होता था उस पे ज्यादा फोकस करती थी. शर्मा इंप्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ऑड रेसिडेंट. इसी तरह का प्रोग्राम जो शर्मा थे उसने अपने एरिया में करने के बारे में सोचा और 600 अलग से रेसिडेंट के साथ वो जुड़े, ठीक है, इस सफाई के बारे में. टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लेन इज अ मॉडल प्रोजेक्ट. और जब उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया अपने एरिया में तो आज के डेट में उनका जो एरिया है वो इतना सुंदर हो गया है, उनका जो गली है वो एक अट्रैक्शन का कारण बन गया है, मॉडल प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है, और अर्बन जो शहरी लोग हैं उनके लिए मॉडल बन चुका है उनका जो एरिया है. दैट अट्रैक्टेड अर्बन एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. जो क्या करता था, उनका जो एरिया है वो जो बाहर के लोग जो थे, शहर के जो लोग थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. शर्मा हैज ऑल्सो हेल्प रेसिडेंट्स ऑफ मेनी अदर एरियाज इन द
सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम. शर्मा ने अपने एरिया को तो साफ करवाया ही इस तरह का प्रोग्राम करके, उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, इसके साथ उन्होंने और भी अदर जो रेसिडेंशियल एरिया थे, ठीक है, उसके साथ भी जुड़कर उन्होंने एरिया को साफ सुथरा करने में हेल्प किया और इसी तरह से प्रोग्राम करवाया जिससे लोग जागरूक हो सके. ठीक है, क्लियर है ये पैराग्राफ? यस मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. हिमांशु जंघेल रीड कीजिए बेटा. हिमांशु कुशल देवांगन. यस मैम. रीड कीजिए द लाइफ सेवर. मैम कहाँ से? द लाइफ सेवर से स्टार्ट कीजिए. मैम मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ से. मैम यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अमाला मैरी से. यस मैम. अमाला मारी 48 नारु बेनी वर्क बेनी वर्क बीडी वर्कर. यस मैम. वाज एट होम कुकिंग व्हेन सी हर्ड अ डिफरेंटिंग शोल्डर सो साउंड डिफरेंटिंग साउंड सी रन आउट टू फाइंड दैट अ पार्ट ऑफ द मैम क्या लिखा है एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट ऑन व्हिच हेयर हर्ट है वो ब्यूटी 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 ऑन हेड कम क्लोम्पस्ट कवरिंग कवरिंग द कवरेटिंग द रैली रैली कवरिंग द रेल ट्रैक्स रेल ट्रैक ब्लो विथ ब्लो विथ हुंगे ह्यूज ह्यूज म्यूज म्यूज्ड ऑफ माउंट मैट एंड मैट डेली डेब्री डेलिक्स जस्ट देन देन सी हार्ड अ ट्रेनी Train's whistle that melta stop रुके बेटा. yes ma'am. दीप्ति साहू रीड कीजिए. मैम कहाँ से रीड करना? सेकंड पैराग्राफ दैट मीन पैसेंजर. That meant a passenger. यहाँ से read कीजिए. Yes, ma'am. That hint that meant a passenger train had left the station 2 kilometer away in a field minutes it would मैम ये क्या लिखा है ये smash मैम ये वाला ये smash लिखा है smash into the large side. okay stop.
हिमांशु निषाद रीड कीजिए बेटा आगे. यस मैम. अमाला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड द ट्रेन देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे इन ऑन टू द ट्रैक्स शी कंटिन्यूड टू रन लकी शी वॉज wearing a red sari, she lifted its palu and running, began waving it as she ran. When the engine driver saw Amala waving a red cloth, he slowed down as the train neared her. Amala shouted, landslide the driver, applied the emergency brake and stopped the train. Okay, stop. Akriti Rai. Yes, ma'am. Read कीजिए आगे. Ma'am, यहाँ से ना there was. हाँ. There was a curve. Ma'am, ये क्या लिखा है? A head. Says driver B. Prabhakar, so the landslide was not visible. Had it not been for Amala warning, many people would have died. I am happy I was able to prevent a driver. Says Amala, who was given the Kalpana Chawla Award for Courage and Daring Enterprise. Okay, चलिए अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं. The life saver. Life saver का मतलब क्या होता है? जीवन रक्षक. ठीक है, जीवन की रक्षा करने वाला. So Amala Mary, a 48 year old तमिलनाडु बीड़ी वर्कर. Amala Mary एक लेडी का नाम है जो कि 48 year की थी और जो तमिलनाडु में रहती थी और क्या काम करती थी, बीड़ी वर्कर थी. ठीक है, बीड़ी बनाने का काम करती थी. वॉज एट होम कुकिंग व्हेन शी हर्ड अ डिफिनिंग साउंड. एक दिन जब वो अपने घर में खाना बना रही थी तो उसने एक अजीब सी साउंड सुनी, जैसे बादल गरजता है, गरजने जैसी आवाज उसने सुनी. ठीक है, तो शी रन आउट टू फाइंड दैट अ पार्ट ऑफ द एम्बैकमेंट ऑन विच हर हर्ट वॉज बुल्ट ऑन हैड कोलाइडेड कवरिंग द रेल ट्रैक बिलो विद अ ह्यूज माउंट ऑफ मड एंड डेब्रिस. तो जैसे उसने आवाज सुनी, जैसे बादल गरजने की आवाज होती है उसी तरह से आवाज थी जोरों से. तो जैसे ही वो बाहर निकलकर दौड़ी, ठीक है, कि ये किस चीज की आवाज है उसे देखने के लिए, तो उसने क्या देखा कि एम्बैकमेंट का जो पार्ट था, मतलब किनारे का जो पार्ट था पुल जैसा, ठीक, वहां का कुछ पार्ट जो है वो जहां पर उसका झोपड़ी, हर्ट मीन्स होता है झोपड़ी, जहां पर उसका झोपड़ी भी बना था वो ढह रहा था, मतलब बहकर नीचे आ रहा था. जहां पर क्या था, रेल ट्रैक था, रेल की पटरी बिछी हुई थी, वहां पर वो सब इकट्ठा हो रहा था, मतलब ऊपर का जो एरिया था वो ढह कर कहां आ रहा था, नीचे जो रेल की पटरी बिछी हुई थी वहां पर सब इकट्ठा हो रहा था. ठीक है, और इतनी जोर से आवाजें आ रही थी जैसे कि बादल गरज रहा हो. ठीक, जस्ट देन शी हियर्ड अ ट्रेन व्हिसल. और उसी टाइम पे उसने ट्रेन के आने की आवाज सुनी, ट्रेन की सीटी सुनाई दी. ठीक है, That meant a passenger train had left the station 2 kilometers away. इसका मतलब ये था कि जो passenger train थी, जो यात्री train थी, वो station छोड़ चुकी थी और पटरी पे आने से सिर्फ 2 kilometer दूर थी. मतलब पटरी पे क्या हो रहा था, पटरी पे जैसे पूरा जो मकान ढह रहा था, ठीक है, वो नीचे की तरफ पटरी में आ रहा था. ठीक है, वहां कीचड़ जो था, मिट्टी का जो एक टीला बनते जा रहा था. ठीक है, तो जो ट्रेन थी वो थोड़ी देर में वहां पर आने वाली थी. इन अ फ्यू मिनट इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड. और कुछ ही देर में वहां पर लैंडस्लाइड होने वाला था, भूस्खलन होने वाला था. ठीक है, अमाला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैकमेंट टुवर्ड द ट्रेन. अमाला ने क्या किया, अमाला उस ट्रेन की, ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन की तरफ दौड़ने लगी. ट्रेन जिधर से आ रही थी उसके सामने वो जाकर दौड़ने लगी. देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक. और फिर वो जो
मड वाला जो रास्ता था, कीचड़ वाला जो रास्ता था, वहां से वहां पर वो कूदते हुए दौड़ते हुए इतनी तेजी से दौड़ते हुए वो आ रही थी ट्रैक पर. शी कंटिन्यू टू रन, वो लगातार दौड़े जा रही थी. लकीली शी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी. सौभाग्य से ये हुआ था कि उस दिन अमाला ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी. शी लिफ्टेड इट्स पल्लू एंड बिगेन वेविंग इट एज शी रन. और जैसे ही वो दौड़ रही थी ट्रैक पर, उसने अपने साड़ी का पल्लू हवा में लहराने की कोशिश की. ठीक है, वो हवा में लहरा रही थी अपनी साड़ी का पल्लू. देन द इंजन ड्राइवर सॉ अमाला वेविंग अ रेड क्लॉथ, ही स्लोड डाउन. जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि अमाला जो है वो अपने रेड कलर के साड़ी को हिला रही थी, तो ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को स्लो कर दिया. एज द ट्रेन नियर्ड हर, अमाला शाउटेड. जैसे ही ट्रेन पास में आया, अमाला ने जोर से चिल्लाया, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड. द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक एंड स्टॉप द ट्रेन. उसी टाइम पे जैसे ही ड्राइवर ने आवाज सुना लैंडस्लाइड का, ड्राइवर ने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया. देयर वॉज अ कर्व अहेड, सेज ड्राइवर बी प्रभाकर, सो द लैंडस्लाइड वॉजंट विजिबल. जो बी प्रभाकर थे ट्रेन के जो ड्राइवर, वो बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो ट्रैक पर कर्व था, मुड़ाव था, ठीक है, मोड़ था, जिसके वजह से उन्हें लैंडस्लाइड दिखाई नहीं दे रहा था. हैड इट नॉट बीन फॉर अमालास वार्निंग, मैनी पीपल वुड हैव डेड. वो बताते हैं कि अगर अमाला ने उन्हें वार्निंग नहीं दिया होता तो बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती थी, बहुत सारे लोग मर सकते थे. आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजिडी, सेज अमाला, हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज. अमाला कहती है, मुझे खुशी है कि मैंने इस बहुत बड़े हादसे को बचा लिया, हादसा होने से बचा लिया, और इसके लिए उन्हें कल्पना चावला अवार्ड, जो कि करेज और डेयरिंग के लिए होता है, उससे नवाजा गया. ठीक है, क्लियर? यस मैम. यस मैम. आपको सभी पैराग्राफ समझ में आ गए? यस मैम. यस मैम. यस मैम. मैं आपको करूंगी, अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ उसका आंसर आप लोग देंगे. ओके मैम. ओके मैम. ओके, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन. व्हाई इज नारायण भाई करंजिया कॉल्ड द पीकॉक डॉक्टर. नारायण भाई करंजिया को पीकॉक डॉक्टर क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि वो मैम क्योंकि वो मोरों का इलाज करते थे. गुनगुन आंसर दीजिए. यस मैम. मैम क्योंकि वो मोर का इलाज करते थे और उन्होंने बहुत से मोर की इलाज करा था, उनकी जान बचाई थी, वो मोर को प्यार करते थे. यस मैम, उन्होंने अपने घर में भी मोर को रखा था. हाँ ठीक है. और जब भी मोर होता था तो वो तुरंत ही वहां पर पूरे इलाज के साधन के साथ में पहुंच जाते थे, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था? पीकॉक डॉक्टर कहा जाता था. Yes, ma'am. Advanced locality management program. Advanced locality management program क्या है? मैम आपने मुझसे पूछा है कि? No, no. जिसको आंसर पता है वो आंसर दे सकते हैं. जिसको भी आंसर पता है बताइए. एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम ये किसने करवाया था, क्या होता है ये? मैम इसको एडवांस लोकेलिटी प्रोग्राम को राजकुमार शर्मा ने करवाया था. मुंबई म्युनिसिपैलिटी राजकुमार शर्मा ने कब करवाया था?
उन्होंने तो बाद में करवाया, पहले कौन करवाया था? मुंबई म्युनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, इसी के बारे में हमने पढ़ा ना। यस मैम। यस मैम। कौन करवाता है एडवांस लोकैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम को? मुंबई म्युनिसिपैलिटी करवाती है, मुंबई की नगर पालिका। ठीक है। हाउ हैज शर्मा हेल्प क्लीन अप हिज स्ट्रीट? शर्मा ने अपने स्ट्रीट को क्लीन करने में कैसे हेल्प किया? देखिए, मिस्टर शर्मा ने क्या किया, अपने एरिया में भी म्युनिसिपैलिटी वाला प्रोग्राम करवाया। ठीक है। और वो 600 जो अलग रेसिडेंट थे उनके साथ में वो जुड़े, स्ट्रीट के साथ में जुड़े और साफ सफाई के बारे में बताया। दे टर्न देयर वेट गार्बेज इनटू कंपोस्ट फॉर प्लांट एंड हायर रैक पिकर्स टू टेक अवे ड्राई गार्बेज। क्या कहते थे कि जो गीले कचरे थे उनको कंपोस्ट में बदल देते थे जो कि प्लांट के लिए काम में आते थे, और जो सूखा कचरा होते थे उसको क्या करते थे, रैक पिकर्स उठाकर ले जाते थे। इस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रीट को क्लीन करने में हेल्प किया। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम? अभिजीत ने कैसे उस एक्सीडेंट विक्टिम और कपल की हेल्प किया? मैम, उन्होंने उस कपल को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और जब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि वो अच्छे से स्वस्थ हो गए हैं तो तब तक वो हॉस्पिटल से नहीं गए थे। वेरी गुड। कपल के साथ में उन्होंने उस इंजर्ड मैन की भी हेल्प की थी, तो पहले उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद में उस इंजर्ड मैन को उस कपल के गाड़ी में ही बैठा कर उन्होंने कहाँ पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। और जब तक उन्हें कंफर्म नहीं हो गया कि उनका इलाज शुरू हो रहा है और उनके रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया गया तब तक वो हॉस्पिटल से नहीं गए थे। ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नोट पर द सिंगर? आपको आपने जो स्टोरी पढ़ी जो सिंगर के बारे में जिन्होंने हेल्प किया था एक्सीडेंट विक्टिम और कपल, आप क्या सीखते हैं, आपको क्या मैसेज मिलता है? मैम, हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर कोई भी इंजर्ड हो, उसको चोट लगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और आसपास जो भी हॉस्पिटल पास हो हमें उसमें उनकी हेल्प करने और उस एक्सीडेंट विक्टिम की हमें हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज वसंत कालबाग प्रमोट काइंडनेस अमंग पीपल? वसंत कालबाग काइंडनेस को क्यों प्रमोट कर रहे थे लोगों के बीच में? क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करेगा, किसी दूसरे इंसान के ऊपर दयालुता दिखाएगा, तो पूरा संसार कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए वो पूरे संसार को अच्छा बनाना चाहते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, काइंडनेस का प्रमोशन करते थे। ओके। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज अमाला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रेल ट्रेजेडी? अमाला मैरी ने रेल ट्रेजेडी को कैसे रोका, रेल ट्रेजेडी से कैसे? मैम, अपनी साड़ी का पल्लू मैम वो दौड़ के गई मैम वे दौड़ के गई और अपनी लाल साड़ी के पल्लों को दिखाया और कहा लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड, जिससे ट्रेन रुक गई। हाँ, और जिससे लोगों की जान बच गई। यस मैम। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर? कल्पना चावला अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? मैम, करेज और डेयरिंग के लिए, मतलब जो लोग ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और चेक करवाएंगे। ओके। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम।